Hello children, welcome to ASA Education. Aaj hum kar rahe hain chapter Liberalisation, Privatisation and Globalisation and Appraisal. Economics book, grade 11. ये जो हमारा chapter है, इसको पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि जो भी हमारी नीतियाँ थी, जो introduce करी गई India में 1991 में, उनको बदलने की क्या background रही? कैसा मैकेनिज्म फॉलो किया गया जिसके कारण ये रिफॉर्म पॉलिसीज को लाया गया. पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसकी क्या प्रक्रिया है और उसका कैसा प्रभाव रहा इंडिया के ऊपर. साथ ही साथ जो है इस चीज को भी हम थोड़ा सा जान पाएंगे कि ये जो बदलाव की प्रक्रिया थी अलग अलग सेक्टर्स में इनका क्या असर रहा. चैप्टर की शुरुआत उसके इंट्रोडक्शन से करते हैं. आपने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इंडिया जो है इंडिपेंडेंस के बाद मिक्स्ड पॉलिसी इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को फॉलो कर रही थी. मतलब उसने जो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम था उसके जो फायदे थे और जो प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसको कंबाइन करके अपनी इकोनॉमिक जो है उसको फ्रेमवर्क को बढ़ाया था. कुछ स्कॉलर्स जो है वो ये तर्क देती है कि इतने सालों तक ये जो पॉलिसी इसका नतीजा होना चाहिए था कि बहुत सारे अलग अलग रूल्स और लॉज जो एस्टैब्लिश किए गए उनका मुख्य उद्देश्य था कि जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल कर लिया जाए, उसको रेगुलेट कर लिया जाए. पर हुआ क्या, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रक्रिया थी उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो गई. बाकी और स्टेट के जैसे ही नहीं, जो इंडिया है उसका जो स्टार्ट हुआ वो ये जो कहते हैं ना डेवलपमेंट का रास्ता जो है वो उसका स्टार्ट हुआ बिल्कुल ठहराव से. और तब भी वो जो है सेविंग्स जो है उसको हासिल कर पाई, यानी कि उसकी ग्रोथ इतनी हुई कि उसके पास सेविंग्स जो है बच पाई. उसने एक बिल्कुल ही इंडस्ट्रियल सेक्टर जो डाइवर्सिफाई था उसको डेवलप किया, जिसमें बहुत सारे वैरायटी जो है गुड्स की उनका प्रोडक्शन होता था. साथ ही साथ एक लगातार बढ़ोतरी हुई एग्रीकल्चर आउटपुट में, जिसके कारण जो है फूड सिक्योरिटी उसको इंश्योर कर पाई. 1991 में इंडिया को इकोनॉमिक क्राइसिस झेलनी पड़ी जिसमें उसके ऊपर बाहर का कर्जा काफी बढ़ गया था. गवर्नमेंट जो है वो रीपेमेंट नहीं कर पा रही थी जो भी उसने अब्रॉड से लोन लिया था या बोरो किया था. जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं जिनको हम जनरली इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि पेट्रोल है या और जो इम्पोर्टेंट आइटम्स है उनको इम्पोर्ट कर सके, वो इस लेवल तक जो है ड्रॉप डाउन हो गए कि आगे आने वाले दो हफ्तों तक भी वो नहीं चल पा रही थी. क्राइसिस जो है फिर और ज्यादा बढ़ गई जब असेंशियल गुड्स जो होते हैं उनकी दाम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगे. इन सब के कारण जो है गवर्नमेंट को नए सेट जो है पॉलिसी के उनको जो स्टेप्स होते हैं उनको उठाना पड़ा, जिससे जो हमारी जो डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी थी उसका एक तरह से डायरेक्शन वो चेंज हुआ. तो हम जो है इस चैप्टर में उन्हीं क्राइसिस की क्या बैकग्राउंड रही वो देखेंगे, कौन से ऐसे स्टेप्स थे जो गवर्नमेंट ने अपनाए और उनका क्या असर रहा जो अलग अलग सेक्टर्स थे इकोनॉमी के उसके अंदर. सबसे पहले है बैकग्राउंड. जो ओरिजिन था फाइनेंशियल क्राइसिस का उसको हम ट्रेस कर सकते हैं जो एक सही तरीके से हमारा मैनेजमेंट नहीं रहा इंडियन इकोनॉमी का 1980s में. ये बात हम जानते हैं कि जो अलग अलग पॉलिसीज होती हैं या उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो एक तरीका होता है उसको लागू करना, उसमें गवर्नमेंट जो है क्या करती है फंड्स जनरेट करती है अलग अलग सोर्सेज से, जैसे टैक्सेशन हो गया या जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो चलाती है उससे. जब एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा होता है वो इनकम से ज्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट को जो है फाइनेंस बोरो करना पड़ता है, जो डेफिसिट होता है बैंक से और साथ ही साथ जो लोग हैं कंट्री के अंदर उनसे या फिर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे. जब हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स जैसे कि पेट्रोलियम है तो हम डॉलर्स में पे करते हैं जो कि हम अपने एक्सपोर्ट से अर्न करते हैं. डेवलपमेंटल पॉलिसीज जो होती है उसमें क्या होता है, आपको चाहिए क्या है कि कहने को जो रेवेन्यू है अगर वो बहुत कम है यानी इनकम बहुत कम है तो गवर्नमेंट को जो है अब ओवरशूट करना पड़ता है अपनी रेवेन्यू को ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी या जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जैसी प्रॉब्लम्स हैं उनसे निपट सके. तो जो लगातार खर्चा हो रहा होता है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे गवर्नमेंट के द्वारा उससे क्या हुआ बहुत ज्यादा एडिशनल रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाए. साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है इतनी अमाउंट में जो है इंटरनल जो सोर्सेज थे जैसे टैक्सेशन वगैरह से उससे भी सफिशिएंट मात्रा में इनकम नहीं जनरेट कर पाई. जब गवर्नमेंट बहुत बड़ा हिस्सा जो अपनी इनकम का है उस पर खर्च कर रही थी उन एरियाज में जो एकदम से इमीडिएट रिटर्न्स नहीं देते हैं जैसे सोशल सेक्टर है डिफेंस है, तो कहीं ना कहीं जरूरत थी कि जो बाकी का जो रेवेन्यू है उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए.
जो इनकम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से आ रही थी वो भी बहुत ज्यादा नहीं थी, ताकि जो बढ़ता हुआ खर्चा है उसको पूरा किया जा सके। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था, जो हम दूसरी कंट्री से बोरो करते हैं या जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करते हैं, वो किस पे खर्च हो रहा था? जो हमारी बेसिक कंजम्पशन की जरूरतें हैं उनको पूरा करने में। ना कोई ऐसा कोशिश करी जा रही थी कि जो स्पेंडिंग हो रही है उसको कम किया जाए, और ना ही बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, ताकि जो है जो इम्पोर्ट है बढ़ता जो जा रहा है उसके लिए पे कर सके। लेट 1980s में गवर्नमेंट का जो खर्चा था अब वो उसकी इनकम से ज्यादा होने लग गया, और इतना ज्यादा मार्जिन से वो बढ़ रहा था कि अब जो है एक तरह से हमारे लिए सर्वाइवल प्रॉब्लम हो रहा था। हम अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। जो प्राइसेस थे एसेंशियल गुड्स के वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। इम्पोर्ट्स जो हैं वो बहुत हाई रेट पे हो रहे थे, और जो ग्रोथ है एक्सपोर्ट की उससे कहीं नहीं मैच कर रहे थे। जैसा पहले भी पॉइंट आउट किया गया कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं वो उस लेवल तक डिक्लाइन कर गए थे कि अब जो है जो फाइनेंस इम्पोर्ट्स हैं वो भी पर्याप्त नहीं रह गए थे, और खाली 2 हफ्तों तक का ही बस हिसाब था। इतनी मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज नहीं था कि इंटरेस्ट पे कर सके, और जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं उनकी जो जरूरतें हैं उनको भी पूरा किया जा सके। अब इंडिया ने जो है अप्रोच किया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट को, यानी IBRD को, जिसको कि हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो है इन दोनों को उन्होंने अप्रोच किया, और उससे जो है $7 बिलियन जो है लोन उधार लिया, ताकि क्राइसिस को मैनेज किया जा सके। अब इस लोन को देने के लिए जो इंटरनेशनल एजेंसी थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी इंडिया को कि वो जो है थोड़ा सा लिबरलाइज करें अपने को, यानी छूट दें, फ्रीडम दें, और इकोनॉमी को खोल दें जो रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगा रखे हैं प्राइवेट सेक्टर पे, ताकि गवर्नमेंट का जो रोल है वो थोड़ा सा कम हो जाए कई सारे एरिया में, और जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है उनको भी वो हटा दें। अब इंडिया ने क्या किया, जो भी ये कंडीशंस थी वर्ल्ड बैंक की और IMF की, इन्होंने उसके लिए पर सहमति दिखा दी, और एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसको अनाउंस कर दिया गया। ये जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी थी इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस किए गए। जो मेन फोकस था पॉलिसीज का, या जो उनका फोर्स था पॉलिसीज का, वो ये था कि ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो है उसे क्रिएट किया जाए इकोनॉमी में, और जो भी बैरियर्स हैं यानी कि जो रोक हैं एंट्री और ग्रोथ में फर्म्स की, उनको हटा दिया जाए। ये जो सेट था पॉलिसीज का, इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 ग्रुप्स में। एक था स्टेबलाइजेशन स्टेप्स और दूसरा था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म स्टेप्स। स्टेबलाइजेशन जो मेजर्स थे वो शॉर्ट टर्म मेजर्स थे। उसमें मेन क्या था कि जो भी वीकनेसेस थी, जो भी कमियां थी, जिसके वजह से जो है एक तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जो है क्या कहते हैं हो गई थी, या इन्फ्लेशन जो है यानी जो महंगाई बढ़ती चली जा रही थी उसको जो कंट्रोल करना था, उस चीज़ों को ठीक करने के लिए स्टेबलाइजेशन मेजर्स जो है उनको उठाया गया, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म थे। दूसरे सिंपल शब्दों में कहें इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि सफिशिएंट अमाउंट में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को जो है मेंटेन किया जाए, और जो प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं उनको कंट्रोल में लाया जाए। दूसरी तरफ जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज थी वो लॉन्ग टर्म स्टेप्स थी। उनका मेन एम ये था कि जो एफिशिएंसी है इकोनॉमी की उसको इम्प्रूव किया जाए, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है उसको बढ़ाया जाए। जो भी एक तरह से रिजिडिटी है कि अलग अलग सेगमेंट्स में इंडियन इकोनॉमी के जो भी उनके एक तरह से लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन सबको जो है हटा दिया जाए। जो गवर्नमेंट थी इंडिया की उसने बहुत सारी पॉलिसीज को जो है लागू किया, जो 3 मेन कैटेगरीज में आती हैं या हेड के अंदर आती हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो पहली जो 2 पॉलिसी हैं वो स्ट्रैटेजीज हैं, और जो लास्ट है वो एक तरह से रिजल्ट है उन स्ट्रैटेजीज का, यानी आउटकम। सबसे पहले है लिबरलाइजेशन। जैसा कि हमने शुरू में पॉइंट आउट किया कि जो रूल्स और लॉज होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना, और यही सबसे बड़ा एक तरह से बाधा बन रहे थे ग्रोथ और डेवलपमेंट। लिबरलाइजेशन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो भी ये रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको खत्म किया जा सके, और नए नए जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के उनको खोला जा सके। कहने को जो कुछ लिबरलाइजेशन स्टेप्स थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया 1980s में, जैसे कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो थी उसके एरिया में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी पे, टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए फिस्कल पॉलिसी पे, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। तो ये जो रिफॉर्म पॉलिसीज थी इनको लागू किया गया 1991 में, और ये ज़्यादा जो है
कंप्लीट थी अपने आप में, कॉम्प्रिहेंसिव थी। अब ये जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, टैक्स रिफॉर्म्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हैं या ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स हैं, जिनको ज़्यादा अटेंशन दी गई 1991 में या उसके बाद, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है डी रेगुलेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडिया के अंदर जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म थी उसको जो है एक तरह से कई अलग अलग तरीकों से लागू किया गया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जिसके कारण हर एक एंटरप्रेन्योर को जो है अभी पहले परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट ऑफिशियल से किसी भी फर्म को स्टार्ट करने के लिए या बंद करने के लिए या ये डिसाइड करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ गुड्स जो है उनको प्रोड्यूस करना है। प्राइवेट सेक्टर जो है उसको अलाउ नहीं किया गया था बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। कुछ गुड्स जो ऐसे थे वो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोड्यूस कर सकती थी, या प्राइस फिक्सेशन पे कंट्रोल करना, ये डिस्ट्रीब्यूशन होना सिलेक्टेड जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनका, तो ये सब चीज़ें जो हैं एक तरह से लागू करी गई। ये जो रिफॉर्म पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी गई 1991 में और उसके बाद भी, इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं हटा दिए गए थे। अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो है ख़त्म कर दी गई थी ज़्यादातर सभी के लिए, जो प्रोडक्ट कैटेगरीज थी जैसे अल्कोहल, सिगरेट या जो बहुत डेंजरस केमिकल इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, इनके लिए। जो खाली इंडस्ट्रीज जो कि रिजर्व करी गई थी पब्लिक सेक्टर के लिए, अब वो थी डिफेंस इक्विपमेंट्स की या एटॉमिक एनर्जी जनरेशन की या रेलवे ट्रांसपोर्ट की। बहुत सारे गुड्स जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होते थे अब उनको भी डी रिजर्व कर दिया गया था। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में मार्केट जो है उसको अलाउ कर दिया गया था कि वो जो है प्राइसेस को निर्धारित कर सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या हुआ? जो फाइनेंशियल सेक्टर था उसमें आते थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जो फाइनेंशियल सेक्टर था इंडिया का उसको कंट्रोल करा जा रहा था आरबीआई के द्वारा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। आप सब भी जानते हैं कि सारे बैंक थे जो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया में, वो सब जो हैं अलग अलग नॉर्म्स और रेगुलेशंस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ये डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ मनी जो है बैंक्स अपने पास रख सकते हैं, फिक्स रेट इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, जो सेक्टर्स को आप बोरो देते करते हैं, लोन देते हैं, उसका तरीका क्या होगा। तो सबसे बड़ा जो एम था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का वो ये था कि जो आरबीआई है उसके रोल को कम करना, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बनाना फाइनेंशियल सेक्टर का। इसका मतलब फाइनेंशियल सेक्टर को भी अलाउ किया गया था कि वो डिसीजंस ले सके कई सारे मैटर्स पे बिना आरबीआई की कंसल्टेशन। ये जो रिफॉर्म पॉलिसीज थी इससे क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं वो एस्टैब्लिश हुए। इंडिया साथ साथ फॉरेन दोनों तरह के बैंक्स जो हैं वो एस्टैब्लिश हो पाए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है लिमिट थी बैंक्स के अंदर, उसको बढ़ा दिया गया लगभग 50%। जो बैंक्स कुछ कंडीशंस जो हैं फुलफिल करते थे अब उनको जो है फ्रीडम दे दी गई थी कि वो नई ब्रांचेस को खोल सकते हैं बिना किसी अप्रूवल के आरबीआई के, या रैशनलाइज कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग जो ब्रांच नेटवर्क्स हैं उनको। कहने को बैंक्स को जो है परमिशन दे दी गई थी कि वो रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं इंडिया या बाहर से। कुछ एक्सपेक्ट्स जो हैं अभी भी जो है आरबीआई के पास ही रखे गए थे ताकि जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनके हितों की सुरक्षा की जा सके या फिर निशन। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे जैसे मर्चेंट बैंकर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं या पेंशन फंड्स हैं, अब ये जो हैं उनको अलाउ कर दिया गया था कि वो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट किए जा सके। टैक्स रिफॉर्म्स जो हैं ये मेनली कंसर्न थे जो रिफॉर्म्स किए गए गवर्नमेंट के टैक्सेशन में या जो पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज थी उनमें, जिनको कि हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में ज़्यादातर वो टैक्सेस होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स की इनकम या जो प्रॉफिट होते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस उससे रिलेटेड होते हैं। 1991 से एक लगातार रिडक्शन आ रहा था टैक्सेस में इंडिविजुअल इनकम्स की, और ये माना जा रहा था कि जो हाई रेट है इनकम टैक्स का ये सबसे बड़ा कारण है टैक्स इवेजन का। तो अब ये सब ने एक्सेप्ट किया कि मॉडरेट रेट्स होने चाहिए इनकम टैक्स के, जिसके कारण सेविंग्स लोगों की बढ़ेंगी, साथ ही साथ वो जो है खुद अपने खुले मन से अपनी इनकम को डिस्क्लोज कर पाएंगे। जो रेट था कॉरपोरेशन टैक्स का जो बहुत ज़्यादा था पहले, अब उसको जो है कम कर दिया गया। एफर्ट ये भी करे जा रहे थे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी बदलाव किया जाए, जैसे टैक्सेस जो कमोडिटीज़ पे हैं, या ताकि जो एस्टैब्लिशमेंट है कॉमन नेशनल मार्केट का गुड्स और कमोडिटीज़ को, उसको सहूलियत मिल सके। एक और कंपोनेंट जो रिफॉर्म का इस एरिया में था वो था सिंप्लीफाई करना, ज़्यादा बेटर जो है टैक्स पेयर्स अच्छे से
काम कर सकें, मतलब वो अपने टैक्स को पे कर पाएं, तो बहुत सारे प्रोसीजर्स जो होते थे उनको सिंप्लीफाई किया गया और जो रेट्स थे उनको भी काफ़ी हद तक कम किया गया। जो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स थे उसमें जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म एक्सटर्नल सेक्टर में किया गया वो किया गया था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। 1991 में एक फॉरेन ऐसा स्टेप उठाया गया ताकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है उसको सॉल्व किया जा सके। उस टाइम पे रुपी जो है उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई थी फॉरेन करेंसीज के सामने, इससे क्या हुआ जो इनफ्लो था फॉरेन एक्सचेंज का वो बढ़ गया। साथ ही साथ जो रुपी को फ्री करने की या जो रुपी वैल्यू थी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में गवर्नमेंट कंट्रोल से अब उसको जो है फ्री कर दिया गया था। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो मार्केट्स है वो डिटरमिन करते हैं एक्सचेंज रेट्स, डिपेंड करता है कि क्या डिमांड है क्या सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की। फिर लाए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में रिफॉर्म्स, जो लिबरलाइजेशन था ट्रेड का या इन्वेस्टमेंट रेजिमी का अब उसको जो है लागू किया गया ताकि इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिटिवनेस है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की उसको बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या टेक्नोलॉजी है उसको भी कंपनी इकोनॉमी में लाया जा सके। मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो एफिशिएंसी है लोकल इंडस्ट्रीज की उनको प्रमोट करना और साथ ही साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को भी अपनाना। जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी अब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया जो है एक तरह से क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो है इंपोर्ट्स पर उसकी रेजिमी को फॉलो कर रही थी। ये कैसे करा जा रहा था, टाइट कंट्रोल किया जा रहा था इंपोर्ट्स पे और जो टैरिफ्स हैं उनको बहुत हाई रखा जा रहा था। इन पॉलिसीज के कारण जो एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस थी वो काफ़ी कम हुई और इसके कारण जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसमें ग्रोथ जो है बहुत स्लो हो गई थी। अब ये जो ट्रेड पॉलिसी थी इनका मेन एम क्या था कि ये जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे इनको ख़त्म किया जाए, टैरिफ रेट्स कम किए जाएँ, जो लाइसेंसिंग प्रोसीजर था इंपोर्ट्स पे उनको हटाया जाए, इंपोर्ट लाइसेंसिंग जो लाइसेंसिंग थी उसको ख़त्म किया गया, खाली बस हैजार्डस या जो एनवायरमेंटल से रिलेटेड सेंसिटिव इंडस्ट्रीज होती हैं उनको छोड़कर बाकी सब जगह से इंपोर्ट लाइसेंसिंग खत्म कर दी गई। जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे इंपोर्ट पर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स के या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर अब उनको पूरी तरह से हटा लिया गया था अप्रैल 2001 में। एक्सपोर्ट ड्यूटीज हटा दी गई थी ताकि जो कॉम्पिटिटिव पोजिशन है इंडियन गुड्स की इंटरनेशनल मार्केट्स में उसको बढ़ाया जा सके। तो पहला था हमारा लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओनरशिप है या जो मैनेजमेंट था गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस का उसको उन्होंने एक तरह से दूसरे के साथ करना शुरू कर दिया, यानी अपने आप अब उसको छोड़ दिया, पीछे हट गए। गवर्नमेंट कंपनीज को जो है कन्वर्ट किया जा सकता था प्राइवेट कंपनीज में दो तरीक़ों से। एक तो ये था कि गवर्नमेंट जो है ओनरशिप से या जो मैनेजमेंट है पब्लिक सेक्टर कंपनीज का उससे विड्रॉल कर ले, और दूसरा ये था कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनको सेल कर दे। जो प्राइवेटाइजेशन था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का था वो मतलब क्या हुआ कि जो इक्विटी थी पीएसयूज की उसको पब्लिक को सेल करना, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। जो पर्पस था सेल का गवर्नमेंट के अनुसार वो मेनली ये था कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इम्प्रूव किया जाए और मॉडर्नाइजेशन को बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जो प्राइवेट कैपिटल और मैनेजर की कैपेबिलिटीज हैं उनको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए ताकि जो परफॉर्मेंस है पीएसयूज की उसको बेटर किया जा सके। गवर्नमेंट ने जो है ये कल्पना करी कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो हमारे को कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पिटस दे सकता है अगर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके लिए। गवर्नमेंट ने जो कई कोशिश करी ताकि जो एफिशिएंसी है पीएसयूज की उनको इम्प्रूव किया जा सके, उनको पूरी तरह से छूट दे दी गई कि वो जो है मैनेजरियल डिसीजंस ले सकें। अब क्विस्टेंस के तौर पे जो कुछ पीएसयूज थे जो कि खासतौर से उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया, जैसे नवरत्न या मिनी रत्न जो थे उनके तौर पे। अब जैसे है नवरत्न और पब्लिक एंटरप्राइज पॉलिसी, आपने अपने बचपन में पढ़ा होगा कि फेमस नवरत्न या नाइन ज्वेल्स जो कि किंग विक्रमादित्य के दरबार में थे, जो कि वो एमिनेंट लोग थे जो अपनी चाहे फील्ड हो आर्ट की, लिटरेचर की या नॉलेज की, उसमें पूरी तरह से एक्सेलेंस रखते थे, स्पेशलाइज थे। 1996 में एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोफेशनलिज्म को ज़्यादा बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ कॉम्पीट कर सकें इफेक्टिवली जो लिबरलाइज ग्लोबल एनवायरनमेंट है उसके करने के लिए, गवर्नमेंट ने 9 पीएसयूज को चुना और उनको नवरत्न के तौर पर डिक्लेयर किया। इनको जो है ज़्यादा मैनेजरियल और ऑपरेशनल छूट दी गई ताकि वो डिसीजंस ले सके कंपनी को सही तरीके से चलाने की और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने की। जितना ज़्यादा ऑपरेशनल फाइनेंशियल और मैनेजरियल छूट मिली उसको जो है
फायदा क्या हो गया कि 97 और जो बाकी प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस थी उनको फिर जो है मिनी रत्न के नाम से उनको छूट दी गई। जो पहला सेट था नवरत्न कंपनीज का, उसमें आते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, फिर आपका नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और विदेश संचार निगम लिमिटेड। बाद में दो और PSUs थे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इनको भी जो है सेम स्टेटस दिया गया था। बहुत सारे जो प्रॉफिटेबल PSUs थे वो ओरिजिनली कैसे फॉर्म हुए थे 1950s में या 1960s में, जब आत्मनिर्भरता जो है सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट था पब्लिक पॉलिसी का। ये इस इंटेंशन से जो है सेटअप किए गए थे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे या डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देंगे पब्लिक को, ताकि जो क्वालिटी एंड प्रोडक्ट जो है वो फाइनली मासेस तक पहुंच सके कम दामों पर, और कंपनीज जो हैं वो अपने आप में जो है एक तरह से उनकी जवाबदेही होगी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए। ये जो नवरत्न स्टेटस दिया गया उसका क्या हुआ, एक अच्छी परफॉर्मेंस हुई इन कंपनीज की। स्कॉलर्स का ये मानना है कि कहने को जो है नवरत्न जो थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़त करी अपने कंपनीज में, और वो जो है एक तरह से ग्लोबल प्लेयर्स बन गए। तब भी गवर्नमेंट जो है उसने पार्टली तौर पर प्राइवेटाइज कर दिया इन डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू। बाद में जो है गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो जो है नवरत्न को रिटेन करेगी पब्लिक सेक्टर में, और उनको जो है अलाउ करेगी वो एक्सपेंड कर सके खुद को ग्लोबल मार्केट में भी, और साथ ही साथ अपने आप वो रिसोर्सेज को जो है बढ़ाएं फाइनेंशियल मार्केट्स। फिर इसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन, ये करते हैं अगले वीडियो में।